यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पोटली बटन बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इस तरीके से आप अपने किसी भी डिज़ाइन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल एक जैसे बटन आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने चौकोर कपड़े लिए हैं। इनकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखी है, ये आप देख सकते हैं, और इनकी जो लंबाई है वो भी मैंने 3 इंच रखी है। अब हम अपने पोटली बटन बनाएंगे। तो देखिए, पोटली बटन आप 3 चीज़ से बना सकते हैं। देखिए, एक बना सकते हैं आप कपड़े की कतरन से, दूसरा बना सकते हैं आप कॉटन से, और एक आप बना सकते हैं जो थर्माकोल की गोली आती है उससे भी आप फैब्रिक जो पोटली बटन है वो बना सकते हैं। लेकिन थर्माकोल की गोली के जो बटन है वो प्रेस करने से ख़राब हो जाते हैं, यानी कि वो पिचक जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा आप कपड़े की कतरन या कॉटन ही यूज करें। तो मैं आपको कपड़े की कतरन से पोटली बटन बनाना बताऊंगी। जिस कलर का आपको पोटली बटन बनाना है उसी कलर के कपड़े में से आप ऐसे छोटी छोटी कतरन काट लीजिए। तो ये मैंने कतरन काट ली है। अब मैं एक कपड़ा लूँगी और इस पे मैं एक गोल सर्कल बनाऊँगी। तो देखिए, ये मैंने बॉबिन ली है जिसमें हम धागा भरते हैं। तो इसके मैं चारों तरफ ऐसे निशान लगा लूँगी। आप इस तरह कोई भी दूसरी चीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन इससे जो हमारा बटन है एकदम परफेक्ट बनेगा, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला। तो इसलिए मैं इस बॉबिन की मदद से सभी कपड़ों के ऊपर ऐसे गोल सर्कल बना लूँगी। तो इससे हमारे बिल्कुल एक जैसे बटन बनेंगे, क्योंकि बिल्कुल हमारा एक जैसा सर्कल बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ये सुई में धागा लिया है। अब मैं इस सर्कल के ऊपर सुई धागे से टांके लगा लूँगी। ऐसे छोटे छोटे टांके लगाने हैं। तो इस तरह से मैं इस पे ये टांके लगा लूँगी। और देखिए, यहाँ पे मैंने ये टांके लगा लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ये कतरन भरूँगी इस साइड से। तो यहाँ पे मैं जितना बड़ा मेरे को बटन बनाना है, यानी कि जितना हमारा सर्कल है, उतना ही हम यहाँ पे कपड़ा ऐसे बिल्कुल टाइट करेंगे, बिल्कुल गोल कर लेंगे और यहाँ पे हम इनमें ऐसे भर देंगे। आपको ज़्यादा कपड़ा भी नहीं लेना है, जितना आपका सर्कल है उतना ही कपड़ा लेना है। और यहाँ पे अब हम इस सुई वाले धागे को ऐसे टाइट खींचेंगे। तो ये एकदम हम इसको ऐसे गोल करते जाएंगे और इसको हम टाइट खींच लेंगे। यहाँ पे हम इसको ऐसे लपेट देंगे धागे को, इस तरह से एकदम पक्का करना है। और यहाँ पे अब हम इसमें ऐसे गांठ लगाएंगे। तो ये हमने जितना बड़ा सर्कल बनाया है उतना ही हमारा ये बटन बनेगा। तो इसलिए आप कोई भी चीज़ की मदद से ऐसे बिल्कुल एक जैसा सर्कल बनाएं। अब हम यहाँ से इसको ऐसे काट लेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल बटन बनके हमारा एकदम कंप्लीट है और बिल्कुल गोल बटन बना है, कितना फिनिशिंग के साथ। तो इसलिए आप इसकी मदद से सभी कपड़ों के ऊपर एक जैसे सर्कल बना के बनाएंगे तो आपके जो बटन से बिल्कुल एक जैसे बनेंगे और बहुत ही खूबसूरत बटन बनेंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बटन हमने बना के कम्प्लीट कर लिया है। अब देखिए, इसी तरीके से मैंने बाकी बटन्स भी बना लिए हैं। अगर आप इससे नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी बोतल का ढक्कन ले सकते हैं, जो भी प्लास्टिक की बोतल आती है उसका ढक्कन की मदद से आप गोल सर्कल बना के इतना खूबसूरत बटन आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने 2-3 बटन बनाए हैं। देखिए, आप इस तरीके से पूरे कपड़े के ऊपर भी धागा लपेट सकते हैं, तो ये आपको अटैच करने में आसानी हो जाएगी। और आप इसको ऐसे सिंपल भी रख सकते हैं, आप इस तरीके से भी लपेट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 तरीके से ये बटन बनाने बता दिए हैं। अगर आपको ये बटन बनाने का तरीका पसंद आया हो तो आप इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।